हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे। और आज मैं आया हूँ गरोबा मैदान में, जहाँ पे दीपक आर्ट। काफी कमेंट आ रहे थे कि भाई दीपक आर्ट के जो है मूर्तियाँ दिखाओ, कैसी बन रही है, किस डिजाइन में यहाँ पे मूर्तियाँ तैयार हो रही है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ दीपक आर्ट में, और अभी हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे अलग अलग यूनिक मूर्तियाँ बनाई जा रही है, जो पूरे नागपुर में आपको दिखाई नहीं देंगी। ऐसी ऐसी मूर्तियाँ इस दीपक आर्ट में जा रही है। और ये पहले चितारोली में ही बनाते थे, लेकिन वहाँ पे जगह की प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती थी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाने में, इसलिए अभी इस मैदान में जो है बना रहे। तो आइए देखते हैं। और इधर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ छोटे गणपति बप्पा है, लेकिन यहाँ से जैसे हम एंट्री करते हैं तो एक बड़े सी मूर्ति आपको दिखाई देंगी गणपति बप्पा की, जो दो घोड़े हैं और ये रथ जैसे आपको दिखाई देगा। हाथ में देख सकते हो, यहाँ से मूर्ति आपको दिखाई देंगी, तो इसमें उनकी रस्सियाँ होने वाली है दोनों घोड़े की, और दौड़ते हुए घोड़े और गणपति बप्पा। तो इस टाइप से यहाँ पे ये मूर्ति होने वाली है। और इधर में भी देख सकते हो एक लकड़ी, बड़ी वाली लकड़ी लेकर आया, जिसपे गणपति बप्पा कृष्ण के रूप में शायद रहेंगे जब पूरे कंप्लीट हो गए, क्योंकि बांसुरी रहेंगी हाथ में ऐसा लग रहा है। और इधर में भी गणपति बप्पा है, और ये एक मूर्ति काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर में जो काफ़ी बड़े हाथी आपको दिखाई देंगे, हाथी के ऊपर में गणपति बप्पा विराजमान है। अब ये कौन से एरिया में जाने वाली है मूर्ति, ये तो हमें पता नहीं है, ये हम देखेंगे ठीक कहाँ पर जाने वाली। अभी दीपक भैया यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो जब आएंगे तो बताएंगे। और ये एक देख सकते हो काफ़ी यूनिक आपको दिखाई दे रही है मूर्ति, एक ऐसा कपड़ा बना हुआ है ऑलरेडी उनके, इस पर बहुत सुंदर सी दिख रही है मूर्ति। और यहाँ पे इनके हाथ में तो धनुष बाण है, आप देख सकते हो इधर में। और ये एक बहुत बड़ी गणपति बापा की मूर्ति है, जो काफ़ी बड़ी है, बैठे हुए गणपति है, इधर में भी बैठे हुए है और इधर में भी बैठी हुई मूर्तियाँ हैं। इधर में कुछ यूनिक आपको दिखाई देंगी, इधर की मूर्ति देख सकते हो, और लास्ट वाली मूर्ति आप देख सकते हो, वो एक यूनिक है। और ये भी मूर्ति मुंबई पैटर्न जैसे दिख रही है, जो मुंबई में काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रहती है। यह मूर्ति आपको शंकर जी, पार्वती और साथ में गणेश जी बाल रूप में आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको जो मूर्ति दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको नाग सांप दिखाई देंगे, अभी कंप्लीट होने के ही है। और ये मूर्ति काफ़ी खड़े में है और काफ़ी हाइट है, जो है गरुड़ पे विराजमान है आप देख सकते हो, और अभी कंप्लीट होने के ही है, तो भी बहुत ही अट्रैक्टिव। और इनका फेस देख सकते हो कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है गरुड़ का, और अभी इसमें पंख पंख लगेंगे बाद में, तो ये अभी जगह कम है यहाँ पे, देख सकते हो जब फाइनल होगी तब बहुत बढ़िया बनेगी। और ये इस तरीके की यहाँ पे दीपक आर्ट में काफ़ी सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिल रही है, और ये अभी 1 तारीख तक के कंप्लीट हो जाएंगी मूर्ति की जो फिनिशिंग है, टचअप है। और 1 तारीख के बाद में मूर्ति में पेंटिंग शुरू हो जाएंगी, और फिर मूर्ति का जो है श्रृंगार वगैरह वो शुरू हो जाएगा लगभग 4-5 तारीख से, क्योंकि 7 तारीख को तो गणपति बापा बैठने वाले ही है। और तो आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना, कि जब पेंटिंग होगी वाला वीडियो, या फिर पूरी फाइनल मूर्तियाँ जब रेडी हो जाएंगी लगभग 5-6 तारीख से तो ले जाना भी शुरू कर देंगे मंडल वाले, क्योंकि कोई कभी लेके जाते, कभी लेके जाते, तो है ना 6 तारीख को यहाँ से 3-4 मूर्तियाँ जाने वाली है। कोई पहले भी ले जा रहा था, क्योंकि सेम डे में काफ़ी दिक्कत रहती है, इसलिए रूट वगैरह का प्रॉब्लम्स रहता है, तो लोग पहले भी ले जा लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देख के कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और कौन सा नागपुर का वीडियो देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।